स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728, 1728 का घनमूल ज्ञात करो। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। देखिए घनमूल निकालने का तरीका है, एक तो आप ट्रिक से कर सकते हो और दूसरा आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ। तो यहाँ पर 1728, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16 होगा, एक रिमेन हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 से ट्राई करेंगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, और ऐसे ही करते रहेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 0। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए 2 1 2 तो होगा ही हुआ, लेकिन ये 1 है ना, ये 2 से छोटा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे उस टाइम पर, हम 0 बार ले जाएंगे, शून्य टाइम्स ले जाएंगे। तो यहाँ पर शून्य हो गया, तो ये ऐसे ही रिमेन रहेगा, और इसको मिला के 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से ट्राई कर लेंगे, 3 9 जा 27, अगेन 3 से ट्राई कर लेंगे, 3 3 जा 9, और अगेन 3 से ट्राई कर लेंगे, 3 1 जा 3। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई पेयर किसका किसका बन रहा है। पेयर में हम यहाँ पर एक ही नंबर को 3 बार लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये 3 बार आया है, ये 3 बार आया है, और ये 3 बार आया है। तो इसका मतलब यहाँ से हमने एक 2 निकाल लिया, यहाँ से एक बार निकाल लिया, और यहाँ से एक बार निकाल लिया। तो जो हमारा फैक्टर्स बनेगा यहाँ पर 1728 का क्यूब रूट, वो बनेगा 2 × 2 × 3, ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 × 6 × 2 = 12, यानी कि जो क्यूब रूट होगा 1728 का वो हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये क्यूब रूट को इंडिकेट करता है, बस इसका काम केवल ये बताना है कि हमें क्यूब रूट फाइंड करना, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप ट्रिक से कैसे फाइंड कर सकते थे, देखिए अगर आपको ये बता दिया गया है कि एक परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है, तो उसमें क्या करना होता है, आप इस नंबर को ऐसे लिखिए 1728, और पीछे से इसका एक ऐसे फैक्टर ग्रुप बना लीजिए 728, और एक ग्रुप ये बन जाएगा 1। अब आपको पता है कि ये जो 1 है ना, ये किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 1 जो है वो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 में आता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो गई कि 1 लेंगे या 2 लेंगे, तो जो सबसे छोटा होगा हम उसी नंबर को लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सबसे छोटा है, तो यहाँ पर इसको ले लेंगे, यानी इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 1। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि आखिरी में 8 आया है, कितना आया है 8, तो 8 जो होता है वो किसके आखिरी में 8 आता है, तो वो 2 के क्यूब में 8 आता है। तो यहाँ से ये वाला नंबर लेंगे, ये वाला, ठीक है, नंबर इधर का ही लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2। और इस प्रकार से हम ट्रिक के हेल्प से भी बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, 12। तो देखिए स्टूडेंट ये तब अप्लाई होगा जब आपको पहले से बताया रहेगा कि जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या पूर्ण घन है, अदरवाइज आप इसी को फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू क्लास।